इसका हर चीज जो है, इसका कल्चर जो है, इसका मतलब ट्रेडिशन जो है, रिचुअल्स जो है, खान पीन, खाना पीना जो है, लिबास है, और हमारे चार मौसम जो है, सब कुछ देखने के काबिल है। आज टूरिज्म डिपार्टमेंट ने डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर के ताउन से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिगिनिंग की है कि हमारे यंगस्टर्स को किस तरह से टूरिज्म सेक्टर में बढ़ चढ़ के इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, और ऑलमोस्ट 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे 35 साल के नीचे की है। तो जब तक टूरिज्म सेक्टर के इकोनॉमिक बेनिफिट्स उस सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन तक नहीं जाएंगे, ये सेक्टर ग्रो नहीं कर सकता है। उस जानब शायद पहला कदम है जो आज डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने उठाया है कि किस तरह से अपस्किलिंग कराई जाए हमारे यंगस्टर्स की। आज तकरीबन 50 के करीब, इससे पहले जम्मू में ऐसे ही होम स्टे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स मुनक्किद किए गए, आज यहाँ कश्मीर डिवीज़न में हमने ये टूर गाइड ट्रेनिंग वर्कशॉप किया है फ्रॉम 14th to the 23rd। आज इसका वैलिडिक्शन था, सर्टिफिकेशन, और टूर गाइड ट्रेनिंग जो डाउनटाउन श्रीनगर, जिसकी एक अपनी कल्चरल लेगेसी है सैकड़ों हज़ारों साल की, उसमें कैसे यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करके लोकल यंगस्टर्स को टूरिज्म सेक्टर के साथ जोड़ा जाए और कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द टूरिज्म सेक्टर आर ब्रॉट टू दिस सेगमेंट। आज मैंने देखा कि सोसाइटी के क्रॉस सेक्शन से बच्चे यहाँ आए थे, ट्रेनिंग की उन्होंने इतने दिनों, हफ्ता 10 दिन। इसका शायद ये इंडिकेटर है कि इस सेक्टर को ग्रो करने में स्टेक होल्डर्स की कितनी ज़्यादा इंसिस्टेंस और इम्पोर्टेंस है। और मैं खराज तहसीन अता करना चाहता हूँ डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर और सारी टीम का, डिप्टी डायरेक्टर्स का, ऑल डिप्टी डायरेक्टर्स नेडीज, कि इन्होंने किस तरह से इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया, बड़ा प्रोफेशनली हमारे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को अपस्किल कराया, और आगे आने वाले वक्त में आई थिंक दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग एंड वी शुड डू दिस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वी विल प्रॉबली स्केल इट अप इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज दिस सेक्टर इज़ ओनली गोइंग टू ग्रो फ्रॉम वन स्ट्रेंथ टू अनादर। मैं बड़ी खुशी के साथ आप सब से ये शेयर करना चाहूँगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इस तरह के नंबर्स हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। पिछला साल हमारा अभी तक का सबसे बेहतरीन साल रहा है, लेकिन आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि इस साल फॉरेन टूरिस्ट के अराइवल्स, जो इनबाउंड टूरिस्ट हैं हमारे मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, इस साल के 6 महीनों में हम वो नंबर ऑलमोस्ट तजावुज़ कर गए हैं जो पिछले साल के 12 महीनों में हुआ था। तो इसलिए मुझे लगता है कि गालिबन इस साल वो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे और आने वाले वक्त में ये नंबर्स बहुत ज़्यादा टच होंगे। ख़ास तौर पे हमने जो देखा है कि G20 के 3rd टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप के बाद द नंबर ऑफ बुकिंग्स बाय फॉरेन nationals has increased in a very big way and the number of queries from various countries has also increased in a very big way, and I'm hopeful that the G20 will give a major fillip to the tourism sector of Jammu and Kashmir in coming times. Ek bahut important sawal aapne kiya hai jo tourism mein enforcement ka mamla hai. Hamare yahan tourism police hai. अभी पिछले 1 महीने में 10 के करीब FIR किए गए हैं जिस पे सख्त तरीन कार्रवाई की गई है डेलिंक्वेंट्स पे, जो कि हमारे पूरे टूरिज्म शोबे का नाम बदनाम करने में लगे हुए थे, उस पे हार्श
कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अजीम, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि टूरिज़्म सेक्टर सिर्फ टूरिज़्म डिपार्टमेंट की काविशों से आगे नहीं बढ़ेगा, टूरिज़्म सेक्टर सब स्टेक होल्डर्स को एक यकजहत हो के, यूनिफाइड हो के, कोलैबोरेट करके इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस बारे में जो भी इस तरह की कोई कंप्लेंट्स आती हैं, आई थिंक एवरी वन ऑफ अस शुड गेट टुगेदर, क्योंकि ये सेक्टर हमारी इमेज, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियंस और पूरे जम्मू कश्मीर की इमेज को बनाने या बिगाड़ने में बहुत कलीदी रोल रखता है। आई थिंक ऑल ऑफ अस, वेदर इट बी हाउस बोट्स, वेदर इट बी होटलियर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स और एनीबडी फॉर दैट मैटर एसोसिएटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द टूरिज्म सेक्टर, ऑल ऑफ अस शुड गेट टुगेदर एंड मेक श्योर कि किसी भी टूरिस्ट का जम्मू कश्मीर आना एक बहुत प्लेजरेबल और मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो।